जी आपकी क्या मेरी भी यही हसरत है कि मुझे रेगुलर जाना चाहिए था. मैं भी बहुत पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे. हाँ. रोज बहाने बना के पेट में दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है. जैसे स्कूल जाने का टाइम खत्म होता था, मेरी बहन और मेरे भाई चले जाते थे तो और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी. हाँ. अदरवाइज मैं बाथरूम में अम्मी दर्द हो रहा है पेट में, एक्टिंग कर करके बेचारी मासूम मान जाती. बेचारी मासूम, चलो ठीक है, आज कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर ले तो कोई गल नहीं. तो बस फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती थी मैं और खेलती रहती थी सारा दिन. फिर मेरी माँ को समझ आ गई. फिर मेरी माँ ने कहा चले अपने, मेरे अबू को कहा कि इसको छोड़ के आए. हाँ. तो फिर मेरे अबू मुझे लेके जाते थे और जबरदस्ती मुझे स्कूल लेके. पर तुम्हारी हसरत ये है कि मैं ये ना करती. बिल्कुल ना. हाँ. करती मैं. मुझे जाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, तो आज मैं थोड़ी और इंटेलिजेंट होती. मैंने साहब अपनी जरा डिफरेंट हसरत. मेरी इन सबसे, मेरा इन सबसे ऑपोजिट आंसर, मेरी स्कूल से कोई हसरत थी नहीं. मुझे स्कूल पसंद ही नहीं था. ओह माय गॉड. मुझे स्कूल जाना पसंद ही नहीं था. मैं कहती थी स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल नहीं जाती थी. 18 दिन कंजेक्टिवली छुट्टियां कर रही हूँ, मैं जा ही नहीं रही, मैं रो रही हूँ, मैंने जाना ही नहीं है. मैं तो कॉलेज में जाके थोड़ी सेट हुई थी कि पढ़ लेते हैं, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल बिल्कुल भी. वो जो टीचर जाके बैठना, टीचर की शक्ल देखना, फिर वो एक डर वाली फीलिंग होती थी, टेस्ट तो मुझे ही नहीं याद, मुझे नहीं याद, अब ये सजा मिलेगी, अब सबके सामने इंसल्ट होगी, मुझे कुछ नहीं था पसंद. वो ठीक हो गया. यहाँ तारे जमीन पे तो नहीं चल रहे तकरीबन. नहीं, लेकिन कॉलेज में जाके आई एंजॉयड अ लॉट. वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल सेट हो गई. चलो अच्छा हो गया. चलो सही है. अगला हसरत का बोर्ड जी. अम्मा अब्बा के साथ कोई हसरत होता है ना कि कोई हसरत रहेगी. सर मैं जी ये आई थिंक मैं भी स्पेंड करना चाहता था टाइम फैमिली के साथ. मैंने बहुत ज्यादा टाइम बाहर गुजार लिया है. 8 साल कराची में. अभी तो कह रहे हो कि कराची वो सोते रहते थे सुबह, स्कूल नहीं जाते थे. सोता रहो ना फैमिली के साथ थोड़ी ज्यादा तो थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो किसी की फैमिली के साथ गुजारने लग गया था टाइम. तो सीन ये भी था तो सीन ये है कि मुझे लगता है अभी फैमिली दिखाई ना आपने. हाँ. तो मैंने 4 साल बाहर और 8 ये 12 तो लाइफ के 12 साल मैंने 4 साल पाकिस्तान से बाहर है और 8 यहाँ हो गए. तो 12 साल फैमिली से मैं दूर रहा हूँ. तो अम्मी अब्बू वगैरह से या सबसे बाकी फैमिली. देखिए अभी मैं कराची में आया अलोन, बाहर गया अलोन. तो अगर इकट्ठे करें तो 12 साल इज अ बिग चंक. हाँ. तो वो मुझे लगता है कि यार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था. बहुत मेमोरीज होती हैं, बहुत टाइम होता है जो आपको बाद में रियलाइज होता है. हाँ, तो ये देख के मेरी हसरत है कि हाँ फैमिली इम्पोर्टेंट है. हाँ. जेनिस पैसा इम्पोर्टेंट है जी. हाँ सुबान. तो बेसिकली मैं घर में सबसे छोटा हूँ. तो व्हेन माय फादर पास्ड अवे तो उस वक्त मैं ये डिसीजन ले चुका था कि मैंने इस फील्ड में आना है और एक्टिंग करनी है. तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा. स्टेबल ही रोजी है. हाँ स्टेबल हो पाओगे. हाँ, तुम हाँ. पहुँच भी पाओगे, तुम कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि नो वन न्यू एनीथिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो मेरी हसरत है कि अगर आज वो होते और मुझे देखते तो he would be so happy. बिल्कुल वो देख के खुश होंगे. खुश बिल्कुल बिल्कुल. वो जहाँ भी अच्छी जगह. बिल्कुल जी. किरण मेरी भी हसरत यही रही. मैं अम्मी अब्बा नहीं है मेरे, काफ़ी देर होगी उनकी डेथ को. मैं अपनी फैमिली में अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ. और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो कुछ प्ले भी कर रही होती हूँ तो मेरे फादर नहीं होते, बहुत कम होते हैं. तो बस यही हसरत थी कि शायद अगर वो अभी होते तो मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती, क्योंकि मेरा बचपन ज़्यादा अब्बा के साथ ही गुजरा है. अच्छा. अब्बा बहुत प्यार करते थे, मैं उनकी डाडली थी, उनके साथ खेलती थी, उनके साथ सोती थी. तो बस उनको बहुत मिस करती हूँ अभी भी. जी जय आंसर इमोशनल. नहीं मैं, मेरी हसरत ये रही थी कि एज अ फैमिली हम साथ में कंप्लीट नहीं रहे, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मूव करते रहते थे साथ साथ. तो मैं और मेरा छोटा भाई अम्मी अबू के साथ होते थे, और जो मेरा बड़ा भाई है वो साथ नहीं था. तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड है वो बड़े भाई के साथ नहीं गुजरा. मतलब वो कहाँ था? वो होते थे दादा दादी के पास, मतलब चाचू लोगों के पास. अच्छा. तो फिर जब बड़े हो गए, होश भी आ गया, सेंसिबल भी हो गए, तब जाके हम इकट्ठे हुए. वरना जो स्टडी बचपना था, जो बचपन था सारा अलग-अलग अलग-अलग गुजरा है. लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अभी भी जो हमारा बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा. अब तो अल्लाह का शुक्र है साथ रहते हैं. हाँ. सब आके सब साथ हैं. लेकिन आधी लाइफ आई थिंक हमने बिल्कुल अलग-अलग गुजारी. हाँ.
स्टडीज के लिए इवन बड़ा एक टाइम आया था जो पेरेंट्स की इस तरह की जॉब हो एक जगह से दूसरी जगह से एक टाइम आया था कि पेरेंट्स अलग थे मैं अलग थी मेरा बड़ा भाई अलग था मेरा छोटा भाई अलग था हम सब अलग अलग थे स्टडी की वजह से लेकिन ये कि अब सब साथ हैं खुश हैं अल्लाह शुक्र है सब चलिए माशाल्लाह तो नेक्स्ट हसरत बोर्ड जी खरीदने की हसरत पैसे से रिलेटेड जो भी हसरत है बस पैसा क्या पैसा बहुत ज्यादा तो हर किसी की है I think बिल्कुल नीता जी इट ऑल कम्स डाउन टू मनी जो मर्जी कर लें हम जितना मर्जी बेच लें कुछ भी चाहे वो क्राफ्ट हो चाहे वो हॉबी हो कि मैं इतना प्यार करता हूँ इट ऑल कम्स डाउन टू मनी लाइफ चलती ही पैसे से तो किसी की भी हसरत होगी कि इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी का काम कर सकें अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें तो मेरी भी यही हसरत है कि इतने पैसे हों कि मैं वो ड्रामे करूँ जो मुझे करने हैं मैं अभी आप पैसे के लिए भी करते हैं नहीं, नहीं, ये ड्रामा तो मैंने दिल से किया इट्स बिकॉज ऑफ मीसम मुझे अभी मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा कि जैसे ही मुझे पता चला मीसम खामोशी मैं कर देखी जाएगी क्योंकि आप बेटियां नहीं आई नो द गाय आई नो द गाय के वो जो मर्जी दे दो आप उनको मीसम को ही विल गेट आउट ही विल ब्रिंग आउट समथिंग तो वो आपको पता होता है तो ये ड्रामा वो नहीं है बाकी काफी ड्रामे हैं जो फिर अच्छे पैसे ले लेते हैं फिर वो अच्छे लगते हैं फिर अच्छा लगता है जब एडी बंद करता है और दिन कोई खरीदने की कोई चीज हसरत है कि इतने हो जाए बस मेरा अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होता है ना कि आप एक गोल बना के सेट किया होता है गोल सेट अच्छा अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हुआ है तो अब वो सिवाय हॉबीज के शौक है कि मैं बाइक्स बनाता रहता हूँ अभी मुझे ब्रांड वाइज चलता हूँ मैं अब यामा आ रह गई है तो मेरे इतने छोटे छोटे से शौक अब मुझे यामा आ लेनी है फिर उसके बाद एक रह जाएगी कावासाकी तो मेरा चार मेरी बच्चियाँ पूरी हो जाएंगी अच्छा ओके ये बाइक का शौक है मुझे बाइक का शौक गाड़ी शाड़ी नहीं है जी गाड़ियों का है फिर वो अलग है अच्छा वो अलग शौक भी बड़े बड़े है ना तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए हाँ भी बहुत बड़े बड़े ये सारे प्रोड्यूसर सुन जी सुभान अच्छा पैसों के लेके आपका क्या शौक मेरी कभी ऐसा हसरत नहीं रही क्योंकि कभी अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की पोजीशन नहीं हुई कि मुझे लगे कि नहीं मैं फाइनेंशियली बुरी कंडीशन में हूँ बहुत शुक्र अल्लाह ताला का ब्लेस्ड हूँ इस चीज को लेके सो कभी इस तरह की कोई हसरत नहीं वो बच्चे हाँ। आप जो सोने का चमचा लेके पैदा हुए जी, जी। हाँ। आप भी तो वही बच्चे हैं लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजों की हसरत रहती है मतलब पैसे कितने भी हो आपको लगता है कि और हो तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा उससे और ज्यादा चीजें आ जाएंगी बहुत सारी आपकी आप एक चीज अचीव कर ले तो फिर चाहते हो कि एक और चीज मिल जाए उससे ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए तो आई थिंक पैसा एक वो चीज है जिसकी हसरत शायद कभी भी खत्म नहीं हो सकती किसी के भी लिए तो नेक्स्ट गोल क्या है अपना एक और घर बनाऊंगा एक और गाड़ी लूंगा अच्छी सी और इस तरह ऊपर अपग्रेड करते करते मुझे लगता है आखिरी चीज या उसके बाद शायद कुछ और सोचूं लेकिन आखिरी चीज मुझे लगता है हेलीकॉप्टर भी लेना है